जोड़ा में नहर में भाई अन सब चीज़ें हम फिलहाल नहाने से थोड़ा दिन के लिए बचो, जब पानी बिल्कुल साफ हो जाओ तब भाई जाकर नहा लियो, और वो भी भाई बिल्कुल साथ कुछ लेके खुद का शरीर का बांध के, ताकि आपने अगर जैसी कुछ परिस्थिति बने है कि भाई डूब इसको हो तो आपने भाई वो बाहर ले कास के आपने पानी को ऊपर। एक गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। और भाई काल रात ना बिल्कुल भी ना सो, क्यों ना सो, क्योंकि पतो को नहीं यार मेरे कल रात ने तो ज़्यादा हो रहा था, कल रात ने मेरे हो 1 बजे बाद में ज़्यादा जाड़ मतलब ए वाला बिल्कुल दर्द हो रहा, लास्ट में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा, दिन में भी हो रहा था, उससे पहले वाला दिन भी हो रहा था, उस दिन तो ज़्यादा ना हो रहा था, थोड़ा हो रहा था लिमिट में था, लेकिन कल रात ने 1 बजे बाद में इतना ज़्यादा दर्द हो कि बस 1 बजे तक तो ब्लॉक ही चल रहा था, 2 बजे तक तो जब तो मैं सोए कैसे सके थो, फिर उसके बाद हम भाई इतना ज़्यादा दर्द हो गए कि रात ने उठ के फिर मैंने टैबलेट ली 2:30 बजे, 2:30 के आसपास टैबलेट लेने के बाद में फिर थोड़ा बहुत आराम करो, आँख आँख में नींद तो जब भी नहीं आई। उसके बाद में फिलहाल भाई अपनो भाई कुलदीप है जो कि डॉक्टर है, जो कि SBI बैंक का है, सॉरी PNB बैंक के जस्ट सामने रामा मेडिकोज है, तो उसमें फ़िलहाल तो भाई चला। हाँ तो भाई है डॉक्टर, तो भाई से दिखा लेंगे एक बार, और गोलू आ रो है सचिन थारो भाई, तो भाई सचिन से मिला दंग था ना, और सचिन को भाई कॉलेज का अब ही डॉक्यूमेंट्स देना है कॉलेज में, तो इसलिए आ रहा है उनको भाई लिस्ट में तो नाम आयो को ना, और कह रहे थो कि भाई एक लिस्ट ला गया अब के बार 85-85 वाला को ना रहो, ठीक है तो भाई कमेंट करके ज़रूर बताओ अब की बार अपनी नांगड़ चौधरी वाली कॉलेज में कितना ही गई है लास्ट परसेंटेज। वो बोल रहे थे कि 85 वाला को ना रहो, उनको शायद 70-75 के आसपास है, 75 ही है, एक पता नहीं 70 जो भी है, ठीक है बता दूँ मैं शाम अभी उनसे पूछ के बता दूँ, ठीक है डॉक्यूमेंट्स में बिल्कुल दिखा के। तो भाई बात यह से कि वो पढ़ो को ना जब ना रहो, ठीक है नहीं पढ़ते तो भाई नाम आ जाते सबके में आ जाते, तो भाई अपने जितना भी छोटा भाई ना भाई पढ़ लिया करो, नहीं तो कॉलेज में नाम नहीं आओगे। आज से भाई ओपन काउंसलिंग नांगड़ चौधरी वाले कॉलेज में, तो भाई जा रहा था मन थोड़ो सा किक हुए थे सामान देनो थो तो सामान ले लूँगा, और भाई मन सबसे मेन मुद्दा तो ये है कि भाई मेरी जाड़ दर्द करती है बहुत ज़्यादा, अब पता को ना मेरा खान पीन की वजह से हो रखो ये दर्द, या फिर वैसे नई जाड़ आ रही है उसकी वजह से हो रहा है, मन कुछ अभी आई भाई आइडियो को ना, और तो भाई डॉक्टर से दिखाएं पता चल लगो, तो भाई फिलहाल तो भाई नांगड़ चौधरी चल रहा भाई कहने। और हाँ भाई ऐसा को ना भाई काफ़ी बढ़िया मतलब कि है, मतलब कि मन ने भाई सबसे बेस्ट लगा है, ठीक है मैंने भाई दूसरा इसको मतलब ना बकर, और मैंने जो बेस्ट लगा वही चीज़ मैं थमने बताऊँ, तो जो चीज़ मन ने बेस्ट लगा तो सोच लो थार ले तो भाई सबसे बेस्ट है, तो भाई नांगड़ चौधरी और हाँ चल के ही दिखा दूँ वो चीज़ तुम्हें, तो फिलहाल तो भाई चला सा, और चल के पहले तो मैं मेरी जाड़ दिखाऊँ और फिर आप सभी दिखाऊँ भाई कैसो के है, और हाँ बोले चाली का भाई काफ़ी बड़े ही, तो चल के दिखाऊँ आप सभी ने। फिलहाल तो भाई चल रहा ही मान छो रखो है बाइक ले आयो, फिलहाल तो भाई बाइक अपने पास तो बाइक लेके निकला हाँ भाई, फिलहाल भाई चलो ये देख लो भाई दोनों घुड़ रहे हैं मोटरसाइकिल चलाने का, तो बाइक है ना भाई प्रवीण मनोज का ना फार्म भरे हो भाई, मैं मेरे जाड़ दिखाना हूँ, ओए आ जाओ आ जाओ आ जाओ से भाई पीछन भाई के हॉस्पिटल जो कि दिखा पाया भाई, फिलहाल आज को ना गोडो से 10 मिनट को नाम लियो, तो 10 मिनट भाई बैठ जा नीचे चाल के, जो कि भाई बिल्कुल अपनी भाई PNB बैंक के जस्ट सामने पड़े है, जो कि जो अपना जो गोल्ड लोन है ना उसके जस्ट पास में HDFC बैंक का ना आप दिखा दूँ मैं एक बार पड़े भाई देख लियो, गोल्ड लोन रहो ये अपना HDFC बैंक से, वो PNB बैंक से, और PNB बैंक के जस्ट पास में पड़ा है रामा हॉस्पिटल, ठीक है तो यह वाड़ी है भाई भाई के हॉस्पिटल, और भाई कुलदीप है डॉक्टर, तो कदे भी आओ तो भाई कन दिखा सको। और भाई गया था हॉस्पिटल में तो यो वाड़ा जाड़ आ रही पीछे, मैं सोचो वही थो मैं पीछे लास्ट में जाड़ आ रही, तो पीछे की साइड आ रही है, तो यो वाड़ो मैं छोड़ो ना जाड़ की वजह से भाई वो घाव साक हो गया, मैं थोड़ा सूज रखो है, तो गया था तो वही रामा मेडिकल में भाई कुलदीप डॉक्टर कन गया था, क्योंकि भाई अपनों है तो भाई अच्छा है तो मैं कहीं जा है ना पता, तो भाई यो वाड़ो जाड़ ना
कि टैबलेट दी, छः दो दो दिन की टैबलेट दी ही, दो टैबलेट तो दिन में एक एक लेनी ही, तीन टाइम पे और एक शाम सुबह एक भूखा पेट में। तो ऐसे करके दो दिन की टैबलेट दी बोल भाई, दो दिन बिल्कुल सही हो जाओ। तो भाई फ़िलहाल तो गोली टैबलेट लिख के फ़िलहाल मैं ली थी, तो थोड़ा आराम है, अभी थोड़ा दर्द कम हो रहा। तो वैसे और भी लूँगा ना शाम ने, तो बोल भाई शाम तक बिल्कुल आराम आ जाओ, बिल्कुल दर्द नहीं होगा। तो फ़िलहाल तो भाई, और सबसे मेन बात भाई, आने वाली 5 तारीख ने, 8 महीने के 2023 ने, जस्ट मतलब का अगलो मंथ है 5 तारीख को, तो मेडिकल वो लगा रखो है, मेडिकल को नाम आवे वह, मैं हॉस्पिटल के अंदर ब्लड डोनेशन कैंप लगा रखो। तो जो भी भाई इच्छुक हो, जैवनी भाई ने देना हो ना, तो वो भाई आस का है और ब्लड डोनेट कर सका है कैंप भाई को। पर भाई कोई प्रेशर को ना, कोई भी चीज़ की भाई दाब को ना, कि भाई आप आओ और आप ब्लड दो ना भाई। जो भी भाई इच्छुक हो खुद देश के, वो आस का है। और बाकी भाई मैं जा रहा हूँ हिमांशु, बाकी हम तो सारा जा ही रहे हैं ब्लड डोनेट करवा खातर। बाकी मैं आपने बस बता रहा हूँ कि अगर आप कोई भी भाई जा रहे हो तो भाई जा सके ब्लड डोनेट करवा खातर, क्योंकि काफ़ी अच्छी चीज़ है भाई। अगर जो अपनी वजह से अगर कहीं इंसान को भलो है, या फिर कोई भी चीज़ में अगर जो आप कोई प्रॉफिट मिल सके कहें अगला ने, तो भाई अपनी तरफ से पूरा देने की कोशिश करना चाहो। तो भाई ऊँ चक्कर में मैं तो जा रहा हूँ, अगर आप में से कोई भी भाई अगर जो जाना पसंद करते हो ब्लड डोनेट करवा खातर, तो भाई जा सके से रामा मेडिकल में हॉस्पिटल है, रामा हॉस्पिटल बिल्कुल HDFC बैंक के जस्ट सामने पड़े हैं। तो जो भी भाई नांगड़ चौधरी के शायद उन्होंने सबने पता होगा, आस पास का भाई ने पता होगा, नीचे भाई ने ना पता हो तो भाई देख लियो। अभी 10 दिन ही, तो वो मैं पहले ही बता रहा हूँ आपने। बाकी मैं 4 तारीख ने भाई पोस्ट भी डाल दूंगा और स्टोरी भी डाल दूंगा, दोनों डाल दूंगा, आप देख सको। और जो भी भाई इच्छुक हो भाई आस कहो ब्लड डोनेट करवा खातर। और सबसे मेन बात भाई, मैं आ गो थो नांगड़ चौधरी भाई। फिलहाल बारिश को सो मौसम रखो, एक बार तो बारिश आ ली, हम घर आते ही जस्ट बारिश आ गई थी हल्की हल्की, और फिलहाल भाई बारिश हल्की आकर रुक गई एकदम, बाकी ज़्यादा कुछ बारिश नहीं हुई, एक नॉर्मल सी बारिश आई है। तो मैं बाहर बैठा हूँ भाई आराम से, अभी देखो ज़्यादा गर्मी हो रखी है भाई रूम के अंदर, तो भाई आराम से बाहर बैठे हैं, ठंडो मौसम है और बिल्कुल चिल्ड हवा चल रही, बिल्कुल एकदम ठंडो मौसम रखो। तो बैठा दोबारा बारिश आ गई भाई, इतना टाइम लग गया बारिश आने में, एक बोलता बोलता बारिश आ जाओ। तो फिलहाल तो भाई बारिश आ रखी है, तो फिलहाल तो भाई अंदर चल रहा हाँ बैठा, और भाई शाम में मिला। देखो अगर बारिश रुक जाओगे तो भाई दोबारा से अपना नहर वाला खेत के अंदर स्प्रे करकानी है, वो वाली करनी है, और कपास के अंदर भाई ऊपर कीड़ा वाली स्प्रे करनी है। तो ये दोनों स्प्रे करके उसके बाद भाई यो स्प्रे वालों काम फ्री हो जाओगे। तो फिलहाल देखो अब कितना काम कर पाऊँ, कितना अगर बारिश आती रही तो भाई ना कराँगा, बाकी अगर रुक जाओ है तो भैया वाली स्प्रे कर दाँगा, ताकि थोड़ा टाइम पे थोड़ा सही से हो जाओगे, क्योंकि बाजरों ख़राब ना होगा, नहीं तो भाई बाजरों ख़राब हो जाओगे। तो फिलहाल देखा और भाई कैसो के टाइम रहे सर, कैसो किनारे जैसो भी रहो वो दिखा दूँगा आपने। और शाम ने तो भाई खेत में जा नहीं पाया, क्योंकि बारिश हल्की हल्की आ रही है, आ रही है और जा रही है, आ रही है और जा रही है। तो उन चक्कर में भाई खेत में नहर वाला में तो भाई स्प्रे हो नहीं पाई। और भाई एक बात और करनी थी, जो अब भाई हरियाणा के अंदर अपना ऊपरी साइड में जो कि भाई पानीपत मान लो, भाई इसार मान लो, रोहतक मान लो, जो भी मान लो, उड़े के कि भाई बाढ़ वाड़ो पानिया रखो है यमुना को। तो अब अपने के कर रहे हैं कि भाई जो भी अपनों नांगल चौधरी होगो, नारनोड़ होगो, निजामपुर होगो, भाई कोई सो मान लो आप सिटी, तो अणक अंदर भाई नहर दबा का छोड़ रखी है, पूरी फुल भरी नहर आ रही। दूसरी बात, पानी को यूज़ आप कर नहीं इसका, क्योंकि पानी को यूज़ तो जब करा जो अपने पास खेती में देने लायक पानी हो। अभी आप खेती में पानी देने इसका, बाजरा की फसल चल रही है, बारिश को मौसम है, तो खुद ही बहुत ज़्यादा पानी हो रखा है। तो सभी गाँव का जोड़ा के अंदर भाई पानी फुल है, ठीक है, सारा गाँव का जोड़ा भरा हुआ है। तो जो भाई अभी यो पानी है यो जोड़ा के अंदर भर रहा है, तो सारा भाई जो नहाने की जो फिराक में रहो हो ना भाई, जोड़ा में चाल कर नाला भाई, ठीक है। तो मेरे हिसाब से भाई ऐसा ना थोड़ा देख के करना चाहो, क्योंकि आज ही भाई हमारा गांव में कुछ थोड़ी बहुत एक अनोनी घटना घट गई, जैसा भाई पूरा गांव सदमा में, गांव का सारा बालक नारा था जोड़ा के अंदर, तो भाई अचानक से एक आदमी थो, तो वो ट्यूब पे बैठ के ही वो भी नारा थो, जो अपने पानी में जो कि ट्रक का टायर की मान लो, या ट्रैक्टर का टायर की ट्यूब मान लो, जो हवा भर के जोड़ा में डाल के जो बनाई ही ना गाँव में, तो सभी ने पता हुई है। तो वह वाली से नारा तो अब वैसा कैसे डूबो कैसे ना डूबो या फिर जो भी बात थी, तो भाई मैं एक छोटी सी की क्लिप डालूँगा भाई, ज़्यादा डालनी थोड़ी ठीक हो ना, मैं एक छोटी सी क्लिप डालूँगा सिर्फ, आप वैसा या देख लियो कि मतलब कि, और ऐसा को ना कि मैंने तैरना ना आया कर, तो उम्र का आदमी था तकरीबन, उम्र मान का चाल लूँ कि 40 का आसपास मान का चाल लूँ, तो उन्होंने तैरना भी आया कर, तो भाई वे जब डूब सकी ही, तो छोटी उम्र का तो भाई अपना आपने के मानना हो भाई,
वैसे भाई अन चीज़न कोई मानना को ना, लेकिन भाई अपना आपने थोड़ी सुधार बाकी कोशिश करो। और एक तो भाई बहुत ज़्यादा गंदो पानी आ रहा है, कुछ भी दिखाई ना दे उनके अंदर, तो भाई थोड़ा नहाण सा ना फिलहाल, जब तक पानी भाई बिल्कुल क्लियर और साफ ना हो जाए तब तक भाई नहाण सा थोड़ा बचो। जोड़ा में नहर में भाई अन सब चीज़ हम फिलहाल नहाण सा थोड़ा दिन के लिए बचो, जब पानी बिल्कुल साफ हो जाओ तब भाई जाकर नहा लियो। और वो भी भाई बिल्कुल साथ कुछ लेके है खुद का शरीर का बांध के, ताकि आपने अगर जैसी कुछ परिस्थिति बना है कि भाई डूब इसको हो तो आपने भाई वो बाहर ले कास के, आपने पानी के ऊपर ले कास के भाई पानी की बोए जो अपनी पानी वाली बोतल आई ही जो कि ड्यू वगैरह की आई ही, या तो वे लो अपना शरीर का बांध भाई उन बोतलान, या फिर कुछ भी लो जो चीज़ आपने नीचे ना डूबने दे बाला ही आपने भाई, चाहे तैरन आते हो चाहे कुछ भी आते हो, लेकिन भाई अपनी पहली सेफ्टी जरूरी भाई, ज़िंदगी है तो सब कुछ है भाई, अगर ज़िंदगी नहीं तो कुछ भी नहीं, ठीक है। तो भाई हमारा गांव में आज जो काम हुए है तो ऐसा भाई पूरा गांव सदमा में है, तो भाई अपन थोड़ा देख के और थोड़ी अन्य चीज़ें की कोशिश करो, और भाई एक दूसरा ने थोड़ा समझाने की कोशिश करो, और नाओ तो भाई बिल्कुल अकेला मत जाओ, चाहे अपना गांव का जोड़ा में नाओ चाहे नहर में नाओ कहीं पे भी नाओ, लेकिन भाई थोड़ा बहुत देख के और अन्य चीज़ों पर थोड़ा ध्यान देख के, ऐसे को ना कि भाई चलो ठीक है कोई बात ना उस गाँव में हो भाई अपना अपन तो तैरना हो भाई, हमारा गाँव में भी तैरना आया कर तो इसलिए बता रहा हूँ थोड़ा भाई सेफ्टी बरत लो अभी, तो भाई फ़ायदे रहोगे। और भाई मैं ब्लॉग को इतनी एंड करूँ ना, मगर सन्नू ने लाउड़ी पैड़ी पूरी।